इधर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का एक ट्वीट सामने आया है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। अल्पसंख्यक इलाकों में शोभा यात्रा की अनुमति नहीं होने पर उनका एक ट्वीट, उन्होंने लिखा है कि अगर मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा को अनुमति नहीं तो हिंदू इलाके में ताजिया निकालने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए। कानून और नियमों की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जयभान सिंह पवैया की तरफ से। सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े इसके लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। और इस बीच उनकी तरफ से ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर मुस्लिम इलाके में शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकती है तो हिंदू इलाकों में भी ताजिया निकालने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। कानून और नियमों की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती है। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लेकर उन्होंने ये ट्वीट किया। अल्पसंख्यक इलाकों में शोभा यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए सुशील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ मायने उनके ट्वीट के? बिल्कुल, देखिए जयभान सिंह पवैया भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और हिंदुवादी नेता हैं। बाबरी आंदोलन में भी रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन में लगातार वो सक्रिय रहे हैं और पूर्व मंत्री भी है। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जो हनुमान जयंती का जुलूस जलसा है उसको अल्पसंख्यक बस्तियों में या संवेदनशील इलाकों में निकलने की अनुमति नहीं मिली है। उनमें भोपाल शहर भी शामिल है और यही वजह है कि इस तरह की अनुमति ना मिलने के बाद पवैया ने ट्वीट किया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कड़े शब्दों में लिखा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं को अगर अल्पसंख्यक बस्तियों में जाने की इजाजत नहीं दे रहा है प्रशासन तो फिर ये भी तय कर लेना चाहिए कि मुहर्रम और ताजिए के जुलूस जो है हिंदू बस्तियों में या बाजारों से निकलने की इजाजत नहीं दी जाना चाहिए क्योंकि कानून और नियम की कसौटी दोहरी नहीं हो सकती, ये सबके लिए एक समान होना चाहिए। तो पवैया ने सवाल उठाए इस बात पर कि कई जगह प्रशासन ने जो रामनवमी के हनुमान जयंती के जुलूस को अनुमति नहीं दी है संवेदनशील इलाकों में जाने की, तो यही वजह है कि उसको लेकर इन्होंने एक कड़ा शब्दों में ट्वीट किया है। और पवैया का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन जुलूसों को संवेदनशील इलाकों में जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो फिर जो दूसरे पक्ष के मुस्लिम पक्षों के त्यौहार आते हैं या दूसरे लोगों के त्यौहार तो उनको भी जो है हिंदू बस्तियों में नहीं आने देना चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब इस ट्वीट के बाद सियासत जरूर होगी। बिल्कुल, और बड़ी बात यह भी है सुशील के लगातार प्रशासन की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, कोई ऐसी स्थिति ना बने जो कि अप्रिय साबित हो, लेकिन लगातार इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ आगे हो सकता है? क्या ये माना जा सकता है कि जिस तरह से उनका ट्वीट सामने आया है इसे लेकर अन्य लोग भी इसी तरह से उग्र विरोध करें? सुशील, बिल्कुल, देखिए अभी हनुमान जयंती है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में जो हिंदू संगठन है इसके अलावा सनातनी लोग हैं वो व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। जुलूस जलसे होंगे, बड़े आयोजन होंगे और चूंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जो रिपोर्ट है कि इन्हीं आयोजनों के दौरान कुछ घटनाएं हो सकती है और साजिशकर्ता लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, तो यही वजह है कि प्रशासन ने अपने अपने जो इलाके हैं उन इलाकों में संवेदनशील इलाके चिन्हित किए हैं और प्रयास किया कि किसी तरह से सौहार्द ना बिगड़े। तो कुछ इलाकों में माना जा रहा है कि जहां उन इलाकों में जाने की परमिशन नहीं मिली है हनुमान जयंती के जुलूसों को, तो उसकी वजह यही है प्रशासन की तरफ से तो कि किसी तरह का माहौल ना बिगड़े और अप्रिय स्थिति खड़ी ना हो और हालातों को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रशासन का मकसद है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठन तो इस बात का विरोध कर ही रहे हैं, छुट्टी भी जो है वो अपील कर रहे थे जी। जिस तरह से जुलूस जलसों को परमिशन ना दी जा रही है संवेदनशील इलाकों में तो उसके बाद विरोध भी देखने के लिए मिल रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से और पवैया का ट्वीट आने के बाद सियासत और इस पर जो है गरमाने लगी। चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। अब देख रहे हैं जयभान सिंह पवैया की तरफ से ट्वीट और प्रशासन को अब और ज्यादा कड़ाई बरतने की जरूरत क्योंकि लगातार कोशिशें जमीनी स्तर पर प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। और अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। देश में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 4,435 नए केस आए सामने, 11 लोगों की मौत, एक्टिव मरीजों की संख्या 23,000 के पार। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के नए आंकड़ों के बारे में दी जानकारी, बीते 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। शहडोल में सीएम शिवराज ने हरिवार जलाशय का किया लोकार्पण, कहा करीब 36 गांवों को मिलेगा फायदा, किसानों के लिए ऊंचे स्थानों पर भी पहुंचेगा पानी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, बोले उन पर आता है तरस, उम्र हो रही है हावी। मध्य प्रदेश सरकार भी खरीदेगी गोबर और गौमूत्र, गोबर धन योजना बनाने के आदेश जारी, योजना के तहत गौ संरक्षण को मिलेगा संबल।
राहुल गांधी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा हमला, बोले स्वार्थ की लड़ाई को बता रहे, लोकतंत्र की लड़ाई पहली बार नहीं गई किसी की साजिश। गृहमंत्री ने कमलनाथ पर शायराना अंदाज में कसा तंज, कहा दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पीसी शर्मा ने भी दिया शायराना जवाब, कहा गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन, सीएम शिवराज सहित कई बीजेपी नेता होंगे शामिल, दलित वोटरों को लुभाने के लिए कई घोषणाएं संभव। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह रहेंगे बुंदेलखंड दौरे पर, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक, मंडल सेक्टर के काम की भी होगी समीक्षा। हनुमान भक्ति पर कमलनाथ का जवाब, कहा हनुमान जयंती पर सिमरिया में बने हनुमान मंदिर में करेंगे विशेष पूजा, धार्मिक भावनाओं से नहीं करते राजनीति। इंदौर के बाबरी हादसे के बाद हिंदू संगठन मुखर, कुओं बावड़ियों पर बने अतिक्रमण को हटाने की मांग। इंदौर के मंदिर हादसे पर सीबीआई जांच की मांग, अतिक्रमण और कुएं वाली बावड़ियों को मुक्त करने की मांग, मामले में जल्द नोटिस जारी होने की अपील। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रहने की उम्मीद, पीएम मोदी बाघ गणना के आंकड़े करेंगे घोषित, प्रदेश में बाघों का आंकड़ा बढ़कर 700 होने की उम्मीद। जबलपुर में हनुमान जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां, भगवान को लगेगा 1 टन के लड्डू का भोग, महालड्डू भोग को देखने उमड़े भक्त। ग्वालियर में हनुमान जयंती पर छुट्टी की मांग, हिंदू संगठनों ने मशाल जुलूस निकालकर की छुट्टी की मांग। ग्वालियर के एनएचएम भर्ती पेपर लीक कांड में सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र तोमर हिरासत में, सरगना से एसआई के खाते में भेजे गए थे रुपए। गुना में मोबाइल शॉप में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के मोबाइल जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नरसिंहपुर में आग से जलने से महिला सहित 2 बच्चों की मौत, पुलिस जता रही खुदकुशी की आशंका, परिजन ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का लगा रहे आरोप। उज्जैन में नशे में धुत युवक का हंगामा, सड़क पर लेटकर किया तमाशा, वीडियो हो रहा वायरल। शोपुर में चीता उवान ने चिंकारा का किया शिकार, वन अमला लगातार चीते पर बनाए हुए है नजर, कॉलर आईडी से मिल रही है चीते की जानकारी। जबलपुर के मेथोडिस्ट चर्च जमीन घोटाला मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी, कोर्ट ने कल ही तीनों की अग्रिम जमानत की थी खारिज। जबलपुर में आर्मी जवानों पर बदसलूकी का आरोप, छात्रा को कार में बैठाने और वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने का आरोप, जांच जुटी पुलिस। खरगोन में छात्र बाइक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने दबिश देकर किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई बाइक चोरी की वारदात। शोपुर में नर चीते उबान के बाद माता चीता आशा भी दिखी कुनों से बाहर, अमला बनाए हुए है निगरानी। और आपका पसंदीदा और लोकप्रिय चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म और लोकल केबल पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे डीटीएच प्लेटफॉर्म्स और लोकल केबल के नंबर के जरिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को आसानी से ट्यून कर देख सकते हैं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सभी बड़ी खबरों से आप अपडेट रह सकते हैं। और बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज 18 के साथ।